ये जरूर चाहेंगे कि इनमें से कुछ लोग कुछ शब्द हमारे को कहें। हमारे कुछ अचीवर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ शब्द अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताएं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर हरिबंधु हेमरा। काम करूली आज हे तो इंडस्ट्री प्रोग्राम शुणला माइंड
इमितिया गोटे सिचुएसन को आसिक पहुँचला जहाँ पर डिसन के इंडस्ट्री को आसली इंडस्ट्री को आस सारापर सीरीज ऑफ अपलाइन जो कि मिस्टर तारापद सिंह मिस्टर ग्रामीण अस्कर जी मिस्टर सुमित्रा कुंडू जी मिस्टर पाठ सार जी ये प्रेरणा रे आज हुए तो मुझक आसीपारी टोटाल मत सपोर्ट कर मोर को एसोसिएट जे कि हाटलाइन आज हुए तो यहाँ आसला गोटे जिनसे देख ली जे सिस्टमेटिकाली जो मैंने कम करूँ जो मैंने सिस्टमेटिकाली कम करेंगे डेफिनेटली से सक्सेस नहीं इंडस्ट्री जी ही जी ही जी ये अनुरोध करी आज आम स्टेज देखा पाइले आप प्रत्येक ये हल आज कमिटमेंट कर जातु आगामी रेकग्निशन को जिते कि आम आसीचु समस्ते मिनिमम सुपर स्टार एंड एबव एंड एबव पिन अचीव करी Okay. तो दोस्तों ये है हमारे सुपरस्टार, आपने देखा कितनी फायर है इनके अंदर और ये वो सभी लोग हैं मुझे अभी पता चला है सुपरस्टार लेवल एक अच्छा लेवल है जहाँ से थोड़ा सा अच्छा इनका माना शुरू हो जाता है और इनमें से मैक्सिमम लोग कार अचीवर्स हैं, ज़्यादातर लोग अपनी कार खुद मेंटेन करते हैं, अभी नई कार्स खरीदी हैं, कुछ एक दो लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं शायद इस महीने या अगले महीने उनकी भी कार आ जाएगी। सो ये वो लेवल है जहाँ से आप कार ओनर बन जाते हैं और जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई। गुड, तो दोस्तों ये है हमारे सुपरस्टार अचीवर्स, थैंक यू वेरी मच। अब आप लोग अपनी सीट ले सकते हैं, थैंक यू। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी हम लोग मिले APLL हेड कंट्री हेड मिस्टर संजीव अरोड़ा, अब मैं आपको मिलवाना चाहूँगा और उड़ीसा हेड जो कि APLL को पूरे उड़ीसा में लीड करती हैं, पूरे उड़ीसा का ध्यान रखती हैं, हर सेंटर का ध्यान रखती हैं, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग। तो लेट्स वेलकम मिस रोजलिन, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए रोजलिन। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप इसी तरीके से पूरे उड़ीसा को सपोर्ट देते रहेंगे। एक बार जोरदार तालियां रोजलिन जी, थैंक यू। नाउ मैं ये जरूर चाहूंगा कि रोजलिन जी आप एक दो लाइन जरूर। गुड मॉर्निंग मैडम को, सारे मेंबर्स को थैंक यू मुझे ये भी बुलाने के लिए, और मेरी तरफ से इतना है जो भी प्रॉब्लम है ओडिशा में प्लीज मेरे कॉन्टैक्ट नंबर सबके पास है, अगर जिनके पास नहीं है वो अपनी सीनियर से ले लें, और थोड़ा कुछ भी कोई भी सेंटर रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हेजिटेट मत कीजिए, छोटा सा भी प्रॉब्लम हो तो मुझे प्लीज़ बताइए, हम हर वक्त आपके लिए APLL के तरफ से। थैंक यू रोजलिन जी। और दोस्तों इसके बाद इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अभी क्या होना चाहिए, डीडी लाए हो, डीडी लाए हो, जो डीडी जमा कराएगा वो डांस देखेगा। दोस्तों एक ऐसा डांस प्रोग्राम जो कि वाकई हम लोगों की रग रग में एक अजब सा मोटिवेशन भर देगा, बहुत ही ज़बरदस्त डांस प्रोग्राम आपके सामने आने वाला है, लेकिन आपकी एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि दोस्तों पूरा साल हम लोग इंतज़ार करते हैं इस एक दिन का, यस और नो? सो आज वो दिन है, तो आज आपको अपना एक्साइटमेंट दिखाना है। आइए आगे चलते हैं अपने डांस प्रोग्राम के लिए, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे अवर डांस ग्रुप। Thank you.
वैल्यू के लिए यस और नो, क्योंकि ये जिंदगी एक जंग है, लेकिन इस जंग को लड़ने के लिए भगवान ने हमें जो हथियार दे दिया है वो है स्मार्ट वैल्यू। यस और नो, तो जीत जाएंगे हम। तू अगर संग है, तू संग है? यस, वी आर ऑल टुगेदर। हम सब एक ही परिवार के लोग हैं। ये वो परिवार है जिसमें 16 लाख लोग आज के समय में रहते हैं और सभी एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं कि आइए मिलके चलते हैं हम सभी लोग सक्सेस की तरफ। और अगला लेवल जो आने वाला है वो है सुप्रीमो अचीवर्स। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सुप्रीमो के लिए। मैं स्टेज पर इन्वाइट करना चाहूंगा, प्लीज वेलकम मिस्टर त्रिमूर्ति रागी एंड ऑलरेडी सुप्रीमो अचीवर मानों को रिकॉग्नाइजेशन करिया पाई
सर्वप्रथम जो पर्सनालिटी को डाकिबा जोरदार हाथ ताली हे दरकार मिस्टर जीनियस अचीवर मिस्टर उमेश साहू जीनियस अचीवर मिस्टर उमेश साहू बिग हैंड एंड देन मिस्टर सुदीप रॉय मिस्टर सुदीप रॉय जीनियस अचीवर जे कि बहुत बढ़िया लीडर अच्छा जोरदार हाथ ताली हवा दरकार एंड नन अदर देन आवर ग्रेट मोटिवेशनल लीडर नन अदर देन मिस्टर ललित अरोरा जी सुप्रीमो अचीवर इज वेरी डेडिकेटेड एक बहुत अच्छे पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड से है मुझे पता चला बीजेडी ग्रुप के इनका जो बैकग्राउंड है जॉब करते थे जिंदल में एक बहुत अच्छी कंपनी में लेकिन जॉब को छोड़ के इस सिस्टम में आए एंड ही इज वेरी हेल्थ कॉन्शियस लेट्स वेलकम मिस्टर देवव्रत बस्तिया करने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की है दोस्तों एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए देवव्रत के लिए नाउ आवर नेक्स्ट सुप्रीमो अचीवर ये रहने वाले उड़ीसा के हैं लेकिन इन्होंने अपना काफी बिजनेस यूपी में भी डेवलप किया पहले मॉडलिंग करते थे और कुछ फिल्म्स में भी एक्टिंग की है और उसके बाद इस बिजनेस को जब से ज्वाइन किया तो उसके बाद स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन किया बहुत मेहनत की और उसके बाद इस सिस्टम में आज सुप्रीमो अचीवर बने हैं लेट्स वेलकम मिस्टर फहीम अजीज खान जिन्हें हम बुलाने जा रहे हैं ये एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे अपने स्टडी टाइम पर बहुत ही अच्छे कॉलेज से पास आउट किया अभी ओडिशा और यूपी के बहुत सारे हिस्सों में बिजनेस कर रहे हैं और इनके इन्होंने एक बहुत अच्छा जंप लिया है पिछले साल ये मास्टर अचीवर थे लेकिन इस साल ये सुप्रीमो अचीवर बने हैं लेट्स वेलकम वासुदेव स्वर इसके बाद दोस्तों जिन्हें हम बुलाना चाहेंगे आवर नेक्स्ट सुप्रीमो अचीवर इज वेरी डेडिकेटेड एक फाइटर है ये आदमी जिसने वाकई ही बिजनेस के उतार चढ़ाव को अपने मजबूत कंधों पर इस तरीके से उठाया कि आज हम सब लोग इसे फाइटर बोलते हैं ही इज फ्रॉम संबलपुर लेट्स वेलकम मिस्टर तारा प्रदर्शी
एक्स सुप्रीमो अचीवर। दोस्तों ये रहने वाले वेस्ट बंगाल के हैं, लेकिन इन्होंने संबलपुर में आके तूफान खड़ा कर दिया। बहुत जबरदस्त लेवल का सपोर्ट दिया अपनी टीम को, बहुत जबरदस्त रिलेशनशिप बनाया और बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचे हैं। लेट्स वेलकम मिस्टर रवि नस्कर। रवि नस्कर, और इन्हें दिया जा रहा है दुनिया के सबसे महंगे पेन में से एक। हमें पता चला कि यूएसए के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश और बिल क्लिंटन इसी पेन का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट पेन ऑफ द वर्ल्ड, मॉन्ट ब्लैंक। और इसके साथ देवव्रत को दिया जाता है 2 nights 3 days 5 star में स्टे, गोवा ट्रिप, 2 रातें 3 दिन गोवा में कंपनी की तरफ से 5 star रिजॉर्ट में देवव्रत जी के लिए एंड आवर नेक्स्ट सुप्रीमो अचीवर।
रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे सभी सुप्रीमो अचीवर्स से कि थोड़ा सा कम शब्दों में बताएं कि किस तरीके से आपने अचीव किया। जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। एक बार सबसे पहले देवव्रत बस्तिया प्लीज। थैंक यू सो मच। एत बढ़िया रिकग्निशन प्रोग्राम पे बहुत बढ़िया लगुच किंतु आज जन को बहुत मिस कर सी हूँ मो माँ मो बो कहीं मत से बहुत सपोर्ट करनी टाइम एनी जगह सपोर्ट कर टोटल फैमिली सपोर्ट करु बहुत अधिक सपोर्ट करे आज का डेट्रे से आसी पार नहीं कि कारण पर कितु मुझे भी जाए तर प्रणाम करके जाए तो आज प्रणाम कल फोन कराखे ना बाहर अच्छे सो प्रणाम कला से गोटे कथा मत कहला कि आज तो पाखे ना तो सेकेंड टाइम मत आहरी गोटे बड़ पिन दरकार तो ए पिन ठारू आहरी बड़ पिन जो तू आचिव करूँ से तो सांगे रही सो बड़ पिन आज का डेट्रे जहाँ पिन मिली एटा स्मार्ट वैल्यू नॉर्मल स्मार्ट वैल्यू एडमिशन कला मैंने जदि परफेक्टली डेडिकेटली काम करेंगे तो डेफिनेटली पिन मिल किंतु स्मार्ट वैल्यू मिलला परे ए पिन को टोटल क्रेडिट गोज टू माय ऑल टीममेट्स जमीक वासुदेव आसीफ फहीम स्वरूप जन्मजय एलिना यह टोटल टीममेट समस्त ना नहीं पारि समस्त को एक क्रेडिट गोज टू पूरा ऑल माय टीममेट। थैंक यू एवरीबॉडी। मैं चाहूँगा दो मिनट आप यहीं रुके। मैंने आपको बताया कि देवव्रत को हमारी कंपनी की तरफ से गोवा ट्रिप मिल रहा है 2 नाइट 3 डेज 5 स्टार रिजॉर्ट में, लेकिन हमारे कंपनी हर साल कुछ ना कुछ फॉरेन टूर के ऑफर्स निकालती है। पिछले साल हमारे कंपनी का एक ऑफर आया था थाईलैंड ट्रिप, तो हमें ये अभी पता चला कि मिस्टर देवव्रत ने थाईलैंड भी क्वालिफाई किया है एंड ही इज गोइंग टू थाईलैंड। तो दोस्तों ये है बिजनेस जिसमें इज्जत पैसा शोहरत फॉरेन टूर कार बंगला घर हर चीज है। सिर्फ एक चीज आपकी तरफ से चाहिए, वो है एक लगन, एक कमिटमेंट, एक मेहनत जो अगले साल आपको भी ये सब कुछ दिलवा सकती है। क्या आप लेना चाहते हैं? ओके, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर नेक्स्ट सुप्रीमो अचीवर मिस्टर फहीम खान। गुड मॉर्निंग लीडर्स। स्मार्ट वैल्यू बस यही स्मार्ट वैल्यू नंबर वन कहू कहू मुशार जाकि यूपी में पहुँचीगली। ओडिशार कटक्रु बिजनेस स्टार्ट करी ता पूर्व मॉडलिंग जगत में मॉडलिंग करी एवं ओडिया सीरीयल एक्टिंग भी करी हेले से गोटे जिनस मत मन को सब बड़ जिनस टच कर कि ओडिया सीरीयल एक्टिंग कले क्या आम एंटरटेनमेंट दे पारा हेले कहार लाइफ को चेंज कर कि दैट इज द प्लेस स्मार्ट वैल्यू जहाँ पे जो भी आम समस्त लाइफ को चेंज कर पार आ स्मार्ट वैल्यूर जो स्मार्ट वैल्यूर जो थॉट प्रोसेस अच्छी स्मार्ट वैल्यूर जो भावना अच्छी से ही भावना को नहीं ओडिशा रे काम कली एवं ओडिशा रे बहुत किसी लीडर मिलले स्मार्ट वैल्यूर आज डेट्रे एटी उपस्थित अच्छा मिस्टर देवव्रत बस्तिया जहाँ का हाथ धरिकी मुझे एटी एडमिशन करी ता गोटे बिग क्लैप चाहिए एवं मोर जूनियर नन अदर दैन द ब्रिलियंट गाय फ्रॉम रेवेन्सा कॉलेज कटक नन अदर दैन मिस्टर वासुदेव स्वाई। वासुदेव स्वाई सांगे एवं यूपी रे भी कम कर निश्चित रूप से ओडिशार ना को आम पूरा इंडिया रे फेमस करवा कहीं ओडिशार अग्निर परीक्षण हुए यशन ताले आमे भी स्मार्ट वैल्यूर मिसाइल को पूरा इंडिया रो सबू जगह पकईदे यशन न तो थैंक यू कह समस्त लीडर को एवं मो बापा बो ये बस आशीर्वाद एपर्त ये आसीपारि ना गोटे सैकल रु जर्नी आरंभ होता आज डेट्रे वॉल्स वगन पोलो पर्यटन पहुँची पारि नेक्स्ट 2 वर्ष भितर निश्चित रूप से मर्सिडीज बेंच बढ़िया कार ड्रीम अचीव कर ऑलरेडी फाइनल अच्छी तो
कहीं भी सीनियर मानक ब्लेसींग गड र्लेसींग हाउस यही भाया मो सागे जहाद्वारा निश्चित रूप से आग को बहुत किसी होबार अच्छी आज डेट रे जो पिन अचीव कली अचिवमेंटा पाई मोर टोटल टीम को ही समर्पण करुच्ची। थैंक यू मिस्टर वासुदेव स्वयं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, स्मार्ट वेलो, स्मार्ट वेलो, स्मार्ट वेलो। माइसेल्फ वासुदेव स्वयं, आज से लगभग साढ़े तीन साल पहले इस इंडस्ट्री के बारे में मेरे को मौका मिला था दोस्तों, और थैंक यू बोलूँगा वही पर्सनालिटी को जो पर्सन मेरे को इस इंडस्ट्री का के इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिया, और स्टेज के ऊपर भी मौजूद है मिस्टर फाइव मिजाज खान जो कि मेरा फीडबैक किए थे, ऑल्सो उनके लिए बिग क्लब होना चाहिए। देन दोस्तों टोटल ऑल माई सीनियर्स, मेरा टोटल सीनियर लोगों का सपोर्ट, थैंक यू बोलूँगा स्मार्ट वैल्यू को, थैंक यू बोलूँगा सपोर्ट टीम को जो कि सपोर्ट टीम जो कि इतना सपोर्ट किया, और लाइन सीनियर्स लोग, लाइन से स्पॉन्सर में सीनियर लोग मिस्टर आसिफ अख्तर, मिस्टर फाइव मिजाज खान, हमारा स्वीट ब्रदर उड़ीसा का स्वीट ब्रदर मिस्टर देवव्रत बस्तिया, उनके लिए भी एक बिग क्लब होना चाहिए। एंड ऑल्सो जिस पर्सनालिटी को मैं आइकन हिसाब से मानता हूँ और ज्वाइनिंग डेट से उन्हीं से बेसिक ट्रेनिंग लेकर काम चालू किया था, उनके लिए भी एक बिग क्लब मांगूंगा आप लोगों से, दैट इज सुदीप घोषाल जी। और देन जो पर्सनालिटी को इतना तो रियलाइज कर लिया, वो पर्सन का अगर डांट पड़ता है तो डेफिनेटली बड़ा पिन होता है, और वो पर्सन लगभग कम्युनिकेशन में मैं हूँ 1.5 साल के ऊपर हो गया है, और उस पर्सन का गाइडलाइन के मुताबिक आज के डेट में ये जो पिन मिला पॉसिबल हो पाया, मिस्टर सुरजीत माइती जी, उनके लिए एक बिग क्लब होना चाहिए, बिग क्लब। देन ऑल सीनियर लीडर्स जिनके लिए, और सपोर्ट टीम, और हमारा इंडस्ट्री का गॉड फादर जिनके लिए, जिनके बदौलत आज का डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में स्मार्ट वैल्यू को लेकर आज का डेट में इतना चर्चा बन पाया, मिस्टर पार्थोदा, उनके लिए भी एक बिग क्लब होना चाहिए। दोस्तों कभी सोचा नहीं था कि इस इंडस्ट्री का अचीवर बनूंगा, या काम जब चालू किया था ऐसा ही सोच के चलो काम करते हैं, बट इटकल हाउस का एक प्रोग्राम जो कि पार्थोदा के साथ मुलाकात हुआ था, उसी दिन में ही मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया था कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए स्मार्ट वैल्यू ही करना है, क्योंकि जितना भी टैलेंटेड स्टूडेंट था वो टैलेंट को मैं दूसरे जगह में इंडस्ट्री में यूज करता, तो मेरा टैलेंट मेरा क्वालिटी को लेकर दूसरा कोई एंजॉय करता, बट इस इंडस्ट्री में यही सोचा कि अपने लिए तो कर पाऊंगा, उसके साथ साथ डेफिनेटली मेरा टीम का काफ़ी लोगों के लिए कर पाऊंगा, और सबसे बड़ी बात यह है भारत का काफ़ी सारा स्टूडेंट, काफ़ी सारा लोगों का लाइफ का टर्निंग पॉइंट ला पाऊंगा, यही सोच के काम चालू किया। और लगभग दोस्तों आज बहुत दुख लग रहा है इसीलिए कि जो लगभग ढाई साल से उड़ीसा में नहीं हूँ, और जिनको मैं बार बार बोल रहा था कि मैं आऊँगा और प्रोग्राम में तेरे को एक बढ़िया प्रोग्राम दिखाऊंगा स्टेज के ऊपर, दोस्तों वो जिस दिन सुप्रीमा कंप्लीट हुआ उसी दिन ही मेरा मम्मी एक्सपायर हो गया, और उसी दिन मैं उड़ीसा आया था, बट आने का था कल का डेट में आने का था, और आज का डेट में रिकॉग्निशन में उनको स्टेज पर बुला था, बट दोस्तों वो पॉसिबल नहीं हो पाया, बट इतना ही स्टेज के ऊपर मैं वादा करके जा रहा हूँ कि स्मार्ट वैल्यू माँ के लिए और मेरा टीम का हर किसी माँ के लिए इतना काम करूँगा कि हर किसी का दुख का जो है वो दुख को मिटाऊंगा डेफिनेटली, और उनका उठ में डेफिनेटली हासिल आऊंगा, और ये जो भी सब अचीवमेंट हुआ मेरा टीम का हर कोई मेरे को 100% हेल्प किया, मदद किया, मैं भी उनके लिए हार्डवर्क किया, वो लोग भी 100% मेरे साथ भी काम किया, मिस्टर अनंत कुमार जेना और काफ़ी सारे मिस्टर हरिबंधु हेमराम, निशा, मिताली, काफ़ी सारे लोग कानपुर में, इलाहाबाद में भी बहुत सारे लोग काम किया, जिस चीज ये सब चीज़ पॉसिबल हुआ दोस्तों बिकॉज ऑफ स्मार्ट वैल्यू का हाथ इस पर्सन का सर के ऊपर है, इसीलिए इस पर्सन का बातों का कुछ वैल्यू है, नहीं तो ये पर्सन का वैल्यू कुछ नहीं, बिकॉज ऑफ सपोर्ट टीम, बिकॉज ऑफ स्मार्ट वैल्यू के लिए सब पॉसिबल हुआ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट मिस्टर तारापदाशी। थैंक यू लोलन जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मुझे लग रहा है ऊपर वाला हो, जितना सारा है सब सो गया, तो आप लोग सो गया क्या? गुड मॉर्निंग एवरीडे, दैट्स इट। मैसेल्फ तारापदा सीट, बाय प्रोफेशन आज से 5 साल 11 महीना पहले एक कन्वेंशनल बिजनेस में था,
लेकिन आज का दिन में फुल्ली स्मार्ट हूँ। तो आने के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं था 5 साल ग्यारह महीने पहले, लेकिन स्मार्ट हिलो आने के बाद अगर अचीवमेंट देखा जाए, मोबाइल सेट से लेके बाइक, लैपटॉप, फोर व्हीलर सन ट्रेजिंग, उसका साथ साथ नेशनल ट्रिप, फॉरेन ट्रिप एंड उसका साथ साथ सबका जो इच्छा होता है खुद का नाम से घर होना चाहिए। तो आया था 4 साल 11 महीने पहले उड़ीसा घूमने के लिए, फिर आज का दिन में जो लड़का सोच नहीं पाता 5 साल 11 महीने पहले लड़का डिस्ट्रिक्ट का बाहर जाएंगे, वही लड़का स्मार्ट इंडस्ट्री में आया। इसके लिए आज का दिन में लास्ट सितंबर महीने में क्या किया, भुवनेश्वर में 15 लाख का फ्लैट भी बुक कर दिया। सोच नहीं पाया था, इतनी सारा जिंदगी भर काम करके अभी तक 10 लाख का घर नहीं बना पाया। स्मार्ट व्यू क्या है, जब 5 साल में 30 साल का काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अगला 50 साल में क्या होने वाला। और सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरा पास, बचपन से मैंने देखा मम्मी का दुख, कभी हंसी नहीं देखा। क्यों? मम्मी का प्रॉब्लम था आर्थराइटिस, घुटने में दर्द होता था, कमर में दर्द होता था, फिर भी काम करना पड़ता था। क्या करें, गरीब फैमिली में जो होता है। तो मैं कभी भी खुशी नहीं देखा, शांति नहीं देखा, हंसी नहीं देखा, मैं भी छुपा के छुपा रो रहा था। क्या करूँ, जितना सारा डॉक्टर का दिखाया कोई जगह सोल्यूशन नहीं किया। लेकिन आज कल जो स्मार्ट लो आने के बाद, स्मार्ट लो कितने अचीवमेंट थे बड़ी बात नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे पास जो अचीवमेंट है स्मार्ट लो का नारी श्रेणी। आज मम्मी 6 महीने यूज किया, लेकिन आज का दिन में कुछ भी बोला नहीं, जितना सारा प्रॉब्लम था सब कुछ सोल्यूशन होया। आज कल मम्मी का देखता हूँ कि हंसी, मम्मी का हंसी जो पैसा देकर खरीद नहीं पाता है, आज स्मार्ट लो वो चीज़ मुझको दे दिया। आज सक्सेस सबको चाहिए, ये सुन लो, सक्सेस चाहिए, ये सुन लो, सक्सेस का राज क्या है जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? सक्सेस का राज है बिलीव, विश्वास। कैसे? एग्जाम्पल, हम लोग सब घोड़ी यूज करते हैं, यस और नो? आपका पास घोड़ी है? आपका घोड़ी चल रहा है? घोड़ी चल रहा है कि नहीं देखने के लिए कितना टाइम लगा? 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, सेकंड का काटा घूम रहा है कि नहीं देख लिया, यस और नो? लेकिन आपको अगर बोला जाए मिनट का काटा घूम रहा है कि नहीं, 1 सेकंड 2 सेकंड में पता चलेगा? कंटिन्यू अगर फॉलो करेंगे तो पता चलेगा।